प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय खुटपानी का स्कूल भवन जर्जर होने के कारण 2 जुलाई 2005 को तत्काल नया स्कूल भवन बनने तक आदर्श मध्य विद्यालय में हस्तांतरण किया गया था। 9 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक स्कूल भवन बनके तैयार नहीं हुआ है। 6-7 के बच्चे एक ही कक्षा में बैठते हैं। हम लोग को लिखने पढ़ने में बहुत परेशानी होती है और कुछ बच्चे नीचे बैठते हैं, कुछ बच्चे ऊपर। बैठने में हम लोग बहुत परेशानी होती है। वहाँ जो पूर्व का बिल्डिंग है, जो बासाकुट्टी और खुटपानी के बीच में, उसमें जो बिल्डिंग बनी है, राउट रोड किनारे बिल्डिंग थी, 88 में इंजीनियरिंग सेल शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया था। 10 वर्ष के बाद वह बिल्डिंग क्या है, जर्जर अवस्था में चली गई। कोई रिपेयर की व्यवस्था, रिपेयर का फंड ही नहीं आता था किसी किस्म का। ऐसी स्थिति में छात्रों को बहुत दिक्कत होने लगा। वहाँ किसी किस्म का एक दूर घटना भी घट गई, चोट भी हुआ, घायल भी बच्चे हुए। फिर पुनः उन पर जान पर नहीं आ जाए, कोई बड़ा टुकड़ा गिर जाएगा, ये होगा तो छात्र का बहुत अहित होगा, इससे स्कूल की बदनामी होगी। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध किया कि ऐसी स्थिति में हमको कहीं पर बिल्डिंग दिला दिया जाए, जिससे कि हम अपने बच्चे को संचालन करें। और आपका आदेश हो तो हम रोड किनारे सड़क के कहीं मैंने गाज के नीचे भी क्लास लेंगे। तो उन्होंने कहा हो जाएगा। और उस समय जो तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, उन्होंने आदेश दिया और हम लोग तीन कमरा में हम लोग यहाँ तीन कमरा हम लोग को दिया गया, इसमें शिफ्ट करके हम विद्यालय चलाना शुरू की। उसमें 3-man कमेटी थी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहायक अभियंता और उपायुक्त। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उसमें 62 लाख समथिंग रुपया ठेकेदार को दे दिया, इको ठेकेदार कहते हैं, इंजीनियर को दे दिया गया, असिस्टेंट इंजीनियर को। बीच में ऐसा खबर सुने कि नहीं, जो जिस इंजीनियर को काम दिया गया था वो इंजीनियर गबन कर लिए, पैसा के जेल चले गए। क्या शशि सिन्हा नाम था शायद उनका, और बिल्डिंग काम रुका हुआ है। मैं वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि सरकारी तंत्र के लापरवाही के कारण रांधा कांडिया की तरह मेरे गांव के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ते हैं और इसी तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः आप सभी तमाम दर्शक भाइयों, बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों से मेरा विनम्र अपील है कि बीना कुमारी का मोबाइल नंबर 9835130584 पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि नया स्कूल भवन का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो सके और बच्चों को बैठने में किसी तरह की असुविधा ना हो। मैं कमल पूर्ति पश्चिम सिंहभूम झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।